यहाँ पे जैसे उंगली फेरेंगे हम तो यहाँ से कन्नी खड़ी हुई है और जब इस पर धागा लग के चलता है हमारी सिलाई मशीन बार बार धागा काट देती है। तो इस पर क्या करना है, ये जो देखिए रेगमाल का टुकड़ा है, ये रेगमाल है, इसको इसकी कन्नी को गोल करना है बिल्कुल ऐसे। हेलो दोस्तों, दोस्तों ये देखिए जब हम सिलाई मशीन से सिलाई करते हैं, ये अम्ब्रेला सिलाई मशीन है, तो हमारा ये जो धागा है ना, यहाँ पे जो फेस प्लेट है ना, माथा है, यहाँ पे लग के चलता है, ये देखिए अंदर की साइड इसमें लग के चलता है और इसमें खार होने के जैसे माथा है ना, और इसमें जब ये खार होता है ना मत्थे में, यहाँ पे जो कन्नी है इसकी, इसमें खार होता है और मशीन जब मोटर पे चलती है ना स्पीड पे, तो हमारी सिलाई मशीन क्या होता है, धागा तोड़ देती है। ये देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो धागा है ना यहाँ पे इस पर इसकी कन्नी पे जो होती है ना अंदर वाली, इस पर लग के चलता है और जब इस पर कन्नी पे लग के चलेगा तो ये इस पर है ना ऐसे जो पकड़ के देखेंगे तो खार खड़े हुए हैं, और धागा इस पर जब लग के चलेगा तो धागा हमारा जो है बोधा हो जाता है और उसकी वजह से हमारी सिलाई मशीन जो है धागा तोड़ देती है। मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा ताकि आपकी सिलाई मशीन धागा ना तोड़े बिल्कुल भी, मोटर पे कितनी स्पीड पे मशीन चलेगी और आपकी सिलाई मशीन धागा नहीं तोड़ने की, हम इसको इस हिसाब से सेटिंग करेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना, जो हमारी सिलाई मशीन धागा तोड़ती है बार बार, और ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस ट्रिक को जो है अच्छे से समझना है और आपकी सिलाई मशीन जो है कभी भी धागा नहीं काटने की, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, दोस्तों अगर आपको कोई भी टूल्स चाहिए सिलाई मशीन का, रैमर और कटर, आपको कुछ भी चाहिए, मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप इस पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि सामान कितने का मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा। अगर आपकी सिलाई मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है उसकी वीडियो बनाकर मेरा नीचे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आप इस पर भेज सकते हैं और मैं आपको ऐसे ही अच्छे से समझाऊंगा जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये है ना इसकी जो फेस प्लेट है इसको खोल लेंगे, धागा निकाल लेंगे नीचे से, कपड़ा हटा लेंगे, इसको यहाँ से इसके दोनों पेंच खोल लेंगे, दोनों पेंच खोलने के बाद ये देखिए दोस्तों इस पे जो है ना मत्थे पे यहाँ पर ये कन्नी खड़ी हुई है और ये क्या करती है, धागा काट देती है। जब इस पर यहाँ पे धागा चलता है ना, ये ऐसे यहाँ पे जैसे उंगली फेरेंगे हम, तो यहाँ इस पर कन्नी खड़ी हुई है और जब इस पर धागा लग के चलता है हमारी सिलाई मशीन बार बार धागा काट देती है। तो इस पर क्या करना है, ये जो देखिए रेगमाल का टुकड़ा है, ये रेगमाल है, इसको इसकी कन्नी को गोल करना है बिल्कुल ऐसे, यहाँ से बिल्कुल गोल करना है, मलाई सा बिल्कुल, इसकी कन्नी गोल करके दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल मलाई सी हो जाएगी। ऊपर से लेके करना है इस पर, ऊपर से लेके नीचे तक, ये नहीं कि आप यहीं यहीं पे मारे, नीचे तक कर ले इसको ऐसे। जब इस पर आप ऐसे हाथ फेरेंगे ना तो बहुत मलाई सा महसूस होगा, अंदर की साइड मारना है, बाहर की साइड नहीं मारना, ये बाहर की साइड है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर की साइड से ही धागा चलता है, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे से कर लेंगे बिल्कुल, और उंगली फेर के देखते रहेंगे ऐसे, उंगली दबा के, यहाँ पे भी नीचे है, इस पे ऊपर तो मारना ही मारना है दोस्तों, यहाँ पे कंधे पे और यहाँ पे भी मारना है, जो इसकी धार खड़ी हुई ना ये वाले इस पे भी मारना है क्योंकि ये धागा यहीं से भी चलता है, धार तो बिल्कुल खत्म कर देनी है इसकी। ये देखिए दोस्तों अब बिल्कुल जो है ना इसकी धार खत्म हो चुकी है, ये देखिए ऐसे उंगली फेरेंगे और इसकी धार बिल्कुल गोल हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों जैसे हमने इस पर है ना इसकी जो धार खड़ी हुई थी माथे की और यहाँ से जो है ना धागा ये है लग के चल रहा था, और जब इस पर धागा लग के चल रहा था तो हमारी सिलाई मशीन धागा तोड़ रही थी बार बार। अब हमने इसकी जो कन्नी है ना बिल्कुल गोल कर दी इस रेगमाल की मदद से, अब हम इसको जो लगाएंगे हमारी जो सिलाई मशीन है धागा नहीं तोड़ देगी, ठीक है। इस ट्रिक को आप आजमाएं अच्छे से, अगर आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ती है
तो इस पर क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही रेगमाल मारना है और आपकी सिलाई मशीन धागा टोकना बंद कर देगी। अब इसको लगाएंगे, इसके दोनों पेज टाइट कर लेंगे। और अब देखिए अब जैसे हम सिलाई करेंगे, सिलाई तो हो रही है। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे हमारा इसकी कन्नी पे लग के चल रहा है ना धागा, ये नीचे भी ध्यान देना यहाँ पे, जो हमने इस पर देखमाल मारा ना, अब हमारी जो सिलाई मशीन है धागा नहीं तोड़ देगी। अब कितनी भी स्पीड में मशीन को चला लियो और अच्छे से हमारी सिलाई मशीन सिलाई करती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों। जैसे आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमारे चैनल को ऐसे ही ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो आप हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, आने वाले समय में आपको जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों।